हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे इंटरनेशनल पेमेंट टर्म्स। सो इंटरनेशनल पेमेंट टर्म्स क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस में जो भी पेमेंट्स आती है उसका एक स्पेसिफिक टर्म्स होती है जिसे पेमेंट टर्म्स कहते हैं। तो वो किस टाइप की होती है वो सेशन के थ्रू समझेंगे। वैसे ऑलरेडी हमने इसका सेशन बना रखा है, ठीक है। तो ट्रेड टर्म्स की अगर बात करें तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देर आर सम टर्म्स आर मेंशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ट्रेड टर्म्स, ओके। सो हियर ओपन अकाउंट, ओके, हियर इंपोर्टर एंड हियर एक्सपोर्टर। इंपोर्टर नीड्स गुड्स एंड एक्सपोर्टर नीड्स मनी, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्टर गुड्स को डिस्पैच करता है, इसके रिस्पेक्ट में इंपोर्टर उसको पेमेंट करता है, ठीक है। तो पहला टर्म्स यहाँ पे लिखा है ओपन अकाउंट, ओके। तो ओपन अकाउंट में क्या होता है, जब अदर कंट्री में जो इंपोर्टर है वो आपकी खुद की कंपनी है, मतलब आपकी सब्सिडियरी कंपनी है, तो उस केस में आपका ओपन अकाउंट पेमेंट हो सकता है, ठीक है, और अदर केस में भी हो सकता है। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है कि एक आपका डॉलर का अकाउंट होगा, ठीक है, जिसमें आप आपके इंटरनली ट्रांजेक्शन को आप ईयरली मेंटेन कर सकते हो। तो वो ओपन अकाउंट होगी कि आपका इधर से कितना इंपोर्ट किया, इतना एक्सपोर्ट किया, उसका जो बैलेंस शीट कितनी बन रही है उसके हिसाब से वो डिडक्ट होता रहेगा और उसको बैलेंस करते रहेंगे। तो उसमें ओपन अकाउंट है वो, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर होता है इंटरनेशनल बिजनेस में जिसमें पेमेंट्स ओपन अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड की जाती है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस को, सो देट कि वो पेमेंट ज़्यादा ना करनी पड़े। अगर बात करें डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन टाइम, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन टाइम में क्या होगा, शिपमेंट्स यहाँ से एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, टू द इंपोर्टर। तो इस केस में क्या होगा, इंपोर्टर आपको टाइम दे देगा कि मैं आपकी पेमेंट 90 डेज में कर दूंगा, 30 डेज में कर दूंगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये यहाँ से एक्सपोर्टर ने गुड्स डिस्पैच किए उसके विद इन टाइम डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन के बेसिस पे आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। एक्सपोर्टर ने शिपमेंट भेजी और डॉक्यूमेंट भी भेजे, दोनों भेजे, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट तो भेज दिए लेकिन एज पर डॉक्यूमेंट जो पेमेंट टर्म्स है वो टाइम वाइज है, ठीक है, 30 डेज है। डॉक्यूमेंट यहाँ से इसने भेजी एक्सपोर्टर ने, इंपोर्टर को मिल गए, इंपोर्टर की बैंक को मिल गए, इंपोर्टर ने छुड़वा लिया। अब लेकिन पेमेंट कब करेगा, जो टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट कलेक्शन टाइम, टाइम की वजह से पेमेंट होगी, चाहे आपको डॉक्यूमेंट आज बैंक से मिले लेकिन पेमेंट आप उसी टाइम पे करोगे जो आपने टर्म्स में लिखा है, ठीक है। जैसे 90 डेज है, ठीक है, एक्सपोर्टर ने गुड्स डिस्पैच कर दिए आज और डॉक्यूमेंट भी आज ही भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पे विद इन 5 डेज इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट मिल गए, ठीक है, इंपोर्टर डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके अपनी शिपमेंट ले लेगा, लेकिन जो पेमेंट टर्म्स का टाइम दिया गया उस टाइम पे पेमेंट करेगा, ठीक है। सेकेंड है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन साइट। तो साइट में क्या होगा, उसी टाइम पेमेंट करना होगा, ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट मिले उसी टाइम पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर ने गुड्स भेजे इंपोर्टर को, डॉक्यूमेंट भेजे बैंक के थ्रू इंपोर्टर को, और जैसे ही इंपोर्टर को बैंक को डॉक्यूमेंट मिले, इंपोर्टर बैंक ने इंपोर्टर को नोटिफाई किया कि आपके डॉक्यूमेंट आ गए, आप पेमेंट करो, डॉक्यूमेंट लो। तो ये हो गया आपका साइट, मतलब कि डॉक्यूमेंट कलेक्शन साइट में कि पेमेंट के टाइम पे। सेम आपका लेटर ऑफ क्रेडिट में यही टर्म्स होती है, यहाँ पे क्या जनरल टर्म्स में ये, इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका जो इम्पोर्टर है वो उसने कोई एलसी नहीं खुलवाई और आपका ट्रस्ट अच्छा है तो उस केस में आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो, लेकिन जहाँ ट्रस्ट आपका सिक्योर नहीं है, आपको लग रहा है कि पेमेंट नहीं आएगी, तो उस केस में आप बोलोगे अपने इम्पोर्टर को कि भाई आप एक लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवा दो, ठीक है। वो टाइम वाइज हो या साइट वाइज वो डिपेंड करता है वो कैसे आपका टर्म्स है। तो एक्सपोर्टर ने रिक्वेस्ट की इम्पोर्टर को प्लीज़ ओपन एलसी फॉर द पेमेंट, ओके, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट का रिस्क था। तो इसको इंपोर्टर ने एलसी खुलवाई, अपने बैंक में रिक्वेस्ट दी, बैंक ने एलसी खोली और इंपोर्टर को दी, इंपोर्टर ने एलसी चेक करवाई एक्सपोर्टर को, इसकी टर्म एंड कंडीशन चेक कर लो, जो भी है पेमेंट अब आएगी कैसे आप करना है। तो एक्सपोर्टर को इंपोर्टर ने लिख दिया कि मैं आपको पेमेंट 120 डे में करूँगा। तो एक्सपोर्टर को लग रहा है कि पेमेंट तो ज़्यादा दिन है, तो वो एलसी को अप्रूव करते टाइम उससे बोला कि ये इसको अप्रूव करने से पहले हमें टाइम कम करना है, जैसे 120 डे की जगह वो करवा देगा 90 डेज,
ठीक है, तो इस प्रकार से अप्रूव करते समय कुछ नेगोशिएशन होती है एलसी ड्राफ्ट में फाइनल। फिर जब एलसी अप्रूव्ड हो जाती है तो फिर वो ये इम्पोर्टर अपनी बैंक को कंफर्म कर देता है कि दिस इज अप्रूव्ड एलसी एंड दिस कंडीशन आर विल बी फॉलो फॉर द शिपमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर वो शिपमेंट एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो उसमें फिर क्या होगा, एलसी के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको एक्सपोर्टर को भेजने पड़ेंगे ऐसे। ठीक है, एलसी खुलते ही एलसी ओरिजिनल एलसी एक्सपोर्टर के पास चली जाएगी और एक्सपोर्टर बैंक में डॉक्यूमेंट लगाएगा तो ओरिजिनल एलसी के साथ लगाएगा और जो डॉक्यूमेंट एलसी में लिखे वही डॉक्यूमेंट लगाएगा। ठीक है, और टाइम की बात करें तो जो भी इनकी टाइम डिसीजन होता है जैसे 120 डेज, 30 डेज या 90 डेज, उसके अकॉर्डिंग इम्पोर्टर इसको पेमेंट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट साइट, तो साइट वाले में क्या होगा, उसी टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी जब डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर ने बैंक को लगाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, साइट एलसी में एक्सपोर्टर ने डॉक्यूमेंट गुड्स डिस्पैच किए और डॉक्यूमेंट भेजे अपनी बैंक के थ्रू इम्पोर्टर की बैंक को। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टर को इमिडिएट डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट में पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही इसको बैंक में डॉक्यूमेंट गए, इम्पोर्टर ने पेमेंट करके डॉक्यूमेंट ले लिए, अब ये पेमेंट इम्पोर्टर की बैंक ये पेमेंट एक्सपोर्टर की बैंक को भेजेगी और इस प्रकार से एक्सपोर्टर के अकाउंट में पेमेंट चली जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में जिनमें पेमेंट्स का मोमेंट होता है, ट्रांजेक्शन्स होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट की कौन सी टर्म जो होती है वो रिस्क एक्सपोर्ट के ज़्यादा हाई होती है, जैसे डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन टाइम में ज़्यादा हाई रिस्क होगी, फिर उसमें डॉक्यूमेंट्री साइड में थोड़ी कम होगी, एलसी टाइम में फिर उससे भी कम होगी, एलसी क्रेडिट टाइम में उससे भी कम होगी, उसके बाद एडवांस, तो एडवांस में एक्सपोर्टर की बिल्कुल रिस्क खत्म हो जाती है, लेकिन इम्पोर्टर की रिस्क बढ़ जाती है क्योंकि इम्पोर्टर ने पेमेंट पहले कर दी है, गुड्स आए ना आए उसका वेट करता है। तो इस प्रकार से ये डायग्राम के थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड कि रिस्क किसकी ज़्यादा होती है किस किस टर्म्स में। सो आज के सेशन में हमने समझने की कोशिश की कि जो पेमेंट टर्म्स होती है उसका इंटरनेशनल बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, ये जो पेमेंट टर्म्स है उसी के बेस पे इंटरनेशनल बिजनेस चल रहा है, तो ये टर्म्स बनाइए वो कौन बनाता है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यू कैन सी रीड ऑन द गूगल, देर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कि कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको कैसे सेटल करते हैं। ठीक है, तो ये पेमेंट टर्म्स का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।